हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग। आज हम बनाएंगे एक और सूप की हेल्दी रेसिपी। सो व्यूअर्स, इसके लिए मैंने लिया है ये कैरेट और टमेटो। आज मैं कैरेट और टमेटो का थिक सूप बनाऊंगी, क्रीमी सूप। सो व्यूअर्स, मैंने इसके लिए टमेटो को बीच में से स्लाइस किया है, पूरा नहीं काटा है, और उसके अंदर ये मैंने क्लोव लगा दी है गार्लिक की। ये मैं 3 टमाटो ले रही हूँ और 1 कैरेट ले रही हूँ, और एक छोटा सा पीस मैंने जिंजर का लिया है, और 4 गार्लिक की क्लोव हैं। इनको मैं बॉईल कर लूँगी एक कटोरी पानी के साथ में। सो व्यूअर्स, मैंने इनको बॉईल कर लिया है, थोड़ा सा पानी डाला था इसमें, ये जल्दी बॉईल हो गया है। इसे कुकर में मैंने 2 सीटी लगाई हैं। ये बहुत ही हेल्दी और मिनटों में बनने वाला सूप है, ये बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें हम कोई भी सॉस यूज़ नहीं करेंगे और ना ही हम कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। ये घर की ही चीज़ों से, देसी चीज़ों से, और बहुत ही टेस्टी हेल्दी सूप बनता है। तो चलिए इसको मैं पीस लेती हूँ। मैं एक ब्लेंडर में ठंडे पानी के साथ में जितना मुझे सूप चाहिए मैं उतना पानी डालूँगी, जितना थिक चाहिए। मैं इसमें 2 कटोरी पानी डालूँगी, 1 कटोरी पानी इसमें पहले पड़ा है। मैं 3 कटोरी सूप बना रही हूँ, तो उसके साथ मैं इसको पीस लूँगी। सो व्यूअर्स, मैंने इसको पीस लिया है, मैंने इसका फाइन पेस्ट बनाया है। अब मैं इसको एक सीवर में छान लूंगी, मोटी सीवर में, जिससे कि टमाटो के छिलके और बीज अलग हो जाएं। इसी कुकर में मैं छान लूंगी जिसमें मैंने इनको बॉईल किया था। अगर आपको लगे कि ये रह गया है तो आप इसको दोबारा डालकर पानी और दोबारा पीस सकते हैं और दोबारा छान लें। सो व्यूअर्स, मैंने सूप को छान लिया है और ये देखिए कितना थिक, बिना कॉर्नफ्लोर के कितना अच्छा सूप बना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी। मैं इसमें 1/2 चम्मच काला नमक डालूंगी, क्वांटिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप ज़्यादा बना रहे हैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कीजिए, और थोड़ा सा सादा नमक, जो नमक आप नॉर्मल खाते हैं वो, और थोड़ी सी मैं ब्लैक पेपर ऐड करूंगी कुटी हुई, जो मैंने अभी फ्रेश कूटी है। और इसमें हम एक बॉईल आने देंगे, इसको मिक्स कर देंगे और हमारा सूप रेडी हो जाएगा। इसको क्रीमी बनाने के लिए, क्योंकि मैं ये थिक और क्रीमी सूप बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ये मैंने मलाई को फेंट के रखा हुआ है घर पे ही, थोड़ा सा दूध डाल के इसको फेंट के क्रीम बनाई हुई है, मैं इसको इसमें डाल दूंगी। आप अवॉइड भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं है पसंद तो, और इसको मिक्स करते जाएंगे जिससे कि ये फटे ना। एक बॉईल आने तक इसको पकाएंगे और हमारा सूप रेडी है। मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। सो व्यूअर्स, मैंने अपना सूप सर्व कर लिया है। मैंने इसमें थोड़े से जो मैंने क्रीम घर पे बनाई थी उसके ड्रॉप डाल के इसको नाइफ की सहायता से थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर दिया है, और थोड़े से मैंने कोरिएंडर लीफ डाले हैं और काली मिर्च के साथ में सर्व कर लिया है। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी हेल्दी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।